Category 4. Comparison of cases in qualitative studies. अब कुछ क्रॉस कंपैरेटिव स्टडीज विच वर कंपेयरिंग वैल्यूज ऐसी भी थी जिसमें द मेन मोड वॉज क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव स्टडीज को कंपेयर करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और यही वजह है कि इनकी तादाद हमेशा थोड़ी सी कम होती है. हाउएवर एट टाइम्स यू यूज देम विद क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी. अब ये केस 10 के हम बात कर रहे हैं. दिस वॉज अ स्टडी ऑफ स्कूल इन 6 societies. The case, each school formed a case and they wanted to know or compare the government policies, ke government policies kaun si knowledge values promote kar rahi hain aur civic values promote kar rahi hain aur wo kis tarah se schools ke andar reflect ho rahi hain. So, jo ek cheez inhone dekhi in sare schools mein ek unko nazar aayi, that is ke they strongly promoted self cultivation se murad hai apna potential unleash karna ya apne aap ko focus on educating oneself, engaging with one's own education. Aur family values ko bahut zyada wo value kar rahe the. Democratic values ko bahut zyada they were giving a lot of emphasis. Fair government, economic and social life and peace, of course, and a sense of national identity was strongly emphasized over here. However, there were tensions across societies. Ya kuch divergence bhi thi un values mein. Wo kaun si divergence thi? That divergence was individual versus community rights. Ab ek emphasis hamesha government ka community rights pe hoga. So individuals, the schools wanted some emphasis on individual rights. Social stability, ek side pe, social stability pe bahut zor tha, continuity pe bahut zor tha, given cultural values ko lekar chalne pe bahut zor tha, aur kuch jagah pe social change pe bahut zyada zor tha. Isi tarah kuch jagahon pe social cohesion pe bahut zor tha, कि सब एक जैसे हो जाएं, सोशल कोहिजन हो और हर चीज हर एक ही जैसे. फॉर इंस्टेंस एक करिकुलम होना चाहिए फॉर इंस्टेंस. और दूसरी जगह पे डाइवर्सिटी पे बहुत जोर था कि अगर लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तब भी वो एज अ नेशन इकट्ठे रह सकते हैं. कहीं पे बहुत ज्यादा जोर था टू ट्रीट नॉलेज एज प्रोविजनल एंड कंस्ट्रक्टेड. And for others, there was an emphasis of on treating knowledge as transmitted and as given. Ab in dono mein kya farak hai? Jab aap knowledge ko as transmitted ya banking model samajhte hain, to aap wahan pe teachers ko is tarah ka emphasis dete hain ke teachers repository hain ek knowledge ke, aur bachchon ko jaise kuch maloom nahi hai. और बच्चे उसको आपको जो जो टीचर कह रहा है या जो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है वो सच है और बच्चों ने उसको याद करके आपको याद रखना है और उसी के ऊपर वो ही एक सच है. दूसरा तरीका ये, दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है जिसके अंदर टेंशन थी, वो ये थी कि आप देखते हो कि नॉलेज जो है वो को कंस्ट्रक्ट होता है. अगर टीचर्स को कुछ बातें पता हैं और वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बच्चों को अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में मालूम है और वो टीचर को मालूम नहीं है. और नॉलेज कंप्लीट नहीं होता जब तक वो दो मुख्तलिफ किस्म के नॉलेजेस जो कि बच्चे के पास है और जो कि टीचर के पास है आपस में एंगेज ना करें. सो जब भी टीचर कुछ बात कहती है तो जो नॉलेज बच्चे के पास होता है वो अपने उस नॉलेज सिस्टम या उस नॉलेज स्ट्रक्चर्स को हमेशा एडजस्ट करता है या उसके बारे में प्रोसेस करता है. कुछ चीजों से वो एग्री करता है और कुछ चीजों से वो डिसएग्री करते हैं. और ये दिस इज परफेक्टली ऑल राइट क्योंकि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड है. यानी कोई भी चीज पूरी तरह 100% कुरान की तरह सच नहीं है. चीजें वो हैं जो कि लोगों ने बनाई हुई हैं, इसलिए उनको चैलेंज किया जा सकता है. तो ये डिफरेंस उनको नजर आया उनके कल्चर्स में. इसी तरह एक और स्टडी थी जो कि सिविक एजुकेशन को देखना चाह रहे थे कि कितना ज्यादा एम्फेसिस है
क्रॉस केस कंपैरिजंस थे अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स एंड इन कंट्रीज. और इसके अंदर उन्होंने एक फेज वो था जिसमें उन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी की, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, और दूसरी साइड पे उन्होंने एक क्वांटिटेटिव सर्वे किया. जो क्वालिटेटिव उन्होंने काम किया वहां पे उन्होंने स्कूल्स को एज अ केस लिया. केस का मतलब ये होता है कि फिर आप बहुत ज्यादा इन डिटेल उसकी सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाते हो. सर्वे बहुत सुपरफिशियल होता है. जब आपने कॉन्टेक्ट केस अच्छी तरह पढ़ लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने वही चीजें देखी कि ये कितनी ज्यादा रैम्पेंट है या कितनी ज्यादा और फैली हुई है दूसरी जगहों में. तो उसकी जो कोर फाइंडिंग्स थी उसको उन्होंने सर्वे में यूज किया. सर्वे क्वेश्चनर से भी छोटा होता. सर्वे में क्वेश्चन आप कंपेरेटिवली कम रखते हो. एंड दे केम अप विद लाइक 24 केसेस विच इज अ ह्यूज नंबर इफ यू कम टू इट. एंड द रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. सो यू कैन सी दैट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स हैव बीन यूज्ड इन कंपेरेटिव एजुकेशनल रिसर्च विच एक्सप्लोर्स वैल्यूज.